नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। मैं हूँ मुकुंद और अभी हम मौजूद है राजस्थान के राजधानी जयपुर के अंदर। जयपुर के शहीद स्मारक पार्क है जहाँ हम अभी इस समय मौजूद है। और जैसे कि आप सब जान रहे हैं, राजस्थान के सहित देश के अन्य 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, चुनावी तैयारियां हो चुकी हैं और हर पार्टी अपने अपने चुनावी प्रचार के उफान पे है। हर पार्टी अपने अपने दावे बता रही है, जो वर्तमान सरकार है अपने किए हुए कामों के आधार पर वोट मांग रही है। इस बीच हम आम जनता के बीच में शहर में घूमे और चूंकि राजधानी है तो यहाँ अलग अलग राज्यों से भी अलग अलग जिलों से भी लोग पहुँचे हुए थे। उनसे हमने बात की जो इस पूरे चुनाव में उनके क्या सवाल हैं और क्या मुद्दे हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका क्या सवाल था जिस सरकार ने जिसको हल नहीं किया और नई सरकार से उनकी क्या है उम्मीद, उनसे बात करिए। आज सुनिए उन्होंने पूरी बातचीत में क्या कहा है। मेरा नाम बाबूलाल खांडा है और मैं यहाँ सोडाला ही रहता हूँ, सोडाला जयपुर ही रहता हूँ। तो क्या ऐसे सवाल है जिस पर चाहते थे चुनावों के अंदर बात हो और क्या होती दिख रही है उसमें? तो चुनावों पर बात गवर्नमेंट को जो करनी चाहिए वो यूथ को लेकर तो वो कर नहीं रही। देखा जाए तो गवर्नमेंट बेरोजगारी के ऊपर कह सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद बेरोजगार हूँ तो मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैं कितने समय से प्रिपरेशन करता आ रहा हूँ, मेरे को प्रिपरेशन करते हुए 4 साल हो गए। एग्ज़ाम देता हूँ, फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वैकेंसी डिले हो जाती है और डिले होने के बाद में फिर वो कोर्ट में चली जाती है। अभी इन्होंने CET लागू करवाया, CET के 10+2 ग्रेजुएशन लेवल दोनों एग्ज़ाम लिए, बट जो वैकेंसी आने वाली थी तो उसका डायरेक्टर चेंज हो गया और वो वैकेंसी वैसे ही खटाई में चली गई। तो गवर्नमेंट को और दूसरी सबसे बड़ी बात पेपर लीक होने की, आए दिन पेपर लीक होते रहते हैं। तो गवर्नमेंट को इनके ऊपर बहुत सोचना चाहिए, इसके ऊपर लोग बात ही नहीं करते, बस अपनी ही रोटियां सेकने में लगे रहते हैं कि हमने ये किया है, हमने वो किया है, हमने वो किया है। बट लेकिन जो ढंग की चीज़ होनी है स्टूडेंट के लिए, वो स्टूडेंट के लिए हो ही नहीं रही। जैसे आप बता रहे हो नौकरियों का संकट है, राज्य सरकार में तो है ही जी, केंद्र की नौकरियां पिछले दिनों नहीं सर, या सिर्फ आप राज्य की तैयारी करते? नहीं, मैं केंद्र की भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ, बट केंद्र की एग्ज़ाम अभी जैसे मेरे से छोटा वाला भाई है, उसने रेलवे का एग्ज़ाम दिया था। उस रेलवे को एग्ज़ाम ग्रुप डी का उसने एग्ज़ाम दिया, उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने में गवर्नमेंट को 5 साल का समय लग गया। तो केंद्र में भी वैकेंसी, अब एक एक स्टूडेंट को नौकरी देने में इतना समय लगेगा तो वो उसके घर, क्योंकि घर वाले भी इतना समय देते नहीं है स्टूडेंट को। ग्रेजुएशन जैसे कंप्लीट होती है, 12th जैसे कंप्लीट होती है तो उनके घर पे आर्थिक परेशानी आती है कि भाई आपका आप लोग काम करो। अब वो शहर में आके रहना, खाना, किराया देना, ये बहुत भारी पड़ता है एक स्टूडेंट के लिए और माँ बाप के लिए भी, क्योंकि महंगाई भी इतनी ज़्यादा हो गई है कि घर जयपुर में या किसी भी और सिटी में जाकर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है एक स्टूडेंट के लिए। तो गवर्नमेंट को आने वाले भावी लोकसभा चुनाव हुए या अभी जो विधानसभा चुनाव राजस्थान में हो रहे हैं तो उसको देखते हुए भी स्टूडेंट के लिए कुछ सोचना चाहिए। चुनाव में पार्टियां, एक तो जो लगातार कांग्रेस की सरकार ने पेपर लीक करवाए हैं पूरे राजस्थान में, प्रदेश में, पटवार का पेपर, रीट का पेपर, एवरी पेपर लीक हुआ है, उस पर सरकार उसके खिलाफ अपने एक राय भी नहीं देती, ना CBI की जांच बुलवाती है, ना हमारे बोर्ड के अध्यक्ष थे वो भी पेपर लीक मामले में पकड़े गए पर उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, उनकी कोई भी उस पर उसके खिलाफ सरकार के पूछते हैं तो कहते हैं कि आपके पास पेपर लीक करने के अलावा क्या मुद्दा है, तो आप इसका जवाब दिए कि कितने युवाओं के भविष्य को आपने खतरे में डाल दिया, पेपर लीक करा देते हो, भर्ती को रद्द कर देते हो पर आप रोज़गार नहीं दे पा रहे। एक बार BJP आ जाती है, एक बार कांग्रेस आ जाती है, वो वैसे का वैसा ही है जहाँ पहले था। किसान दिनों दिन उससे ज़्यादा मार झेल रहा है महंगाई की, और किसान जब मार्केट से जब बीज बोने के लिए लेके आता है तो वो बहुत महंगा बीज होता है, इसलिए फिर उस पर जो फसल होती है वो फसल पर मतलब फसल होती है, जब फसल कटाई पर आ जाती है तो बारिश हो जाती है, जब ओलावृष्टि हो जाती है, बारिश हो जाती है तो फसल उसकी नष्ट हो जाती है, उस फसल का उनको मुआवजा नहीं मिलता, इसलिए किसान मुआवजे के लिए लड़ता है, संघर्ष करता है। जहाँ जहाँ किसान जहाँ लड़े हैं वहाँ किसानों को मुआवजा मिला है। जहाँ जहाँ मतलब अभी एक बहुत बड़ा आंदोलन चला जो चूरू कलेक्ट्रेट पे, वो था फसल बीमा क्लेम को लेकर, जो वो आंदोलन किसानों ने जीता है, चार महीने चार दिन वो आंदोलन चला, उसके बाद में उस किसान आंदोलन की जीत हुई और उसमें सहमति बनी है। वो अभी ये नहीं हुआ कि उनके खातों में वो फसल बीमा क्लेम आ गया,
आया नहीं है अभी उस पर। ये सरकार ने कहा है कि हम उसका समाधान करेंगे। जैसा कि शहरी रोजगार में डॉक्यूमेंट में दिखाया है वैसा धरातल पर कुछ भी नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि चुनाव के बाद जब भी सरकार बने तो धरातल पर जो वास्तविक होना चाहे वो जल्द से जल्द किया जाए। राजस्थान में सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए दिक्कत है। एक तो रोजगार सबसे बड़ी समस्या है, बेरोजगारी। जब उनको समय से रोजगार नहीं मिल पाता तो शायद उनको परिवार चलाने में दिक्कतें होती हैं, शायद नहीं वास्तविक में होती है। ये महिलाओं के लिए नहीं, ये पुरुषों के लिए भी है, क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो रोजगार ही चाहते हैं। महिला सुरक्षा को लेके अगर बात की जाए तो महिलाओं के लिए बात रखने का एक पैनल बनाया जाए जिसमें वो अपनी बातें सबके सामने ना रख के वहाँ रख सकें और उनकी बातों को जल्द से जल्द, जैसे उनकी जो भी समस्या है उसका निवारण भी किया जाए। चिरंजीवी योजना एक ऐसी योजना है जिसमें भैया बात ऐसी है, इसके अंदर क्या होता है कि मिडिल क्लास जो होता है ना वो सिर्फ टूटता है तो किससे टूटता है, बीमारियों से टूटता है। बीमारियों को गहलोत ने फ्री कर दिया है। अब हम मेरे सपोज करो अटैक आता है तो जब मुझे से ऑटो वाले ड्राइवर के अटैक आएगा तो मैं कहाँ जाऊँगा हॉस्पिटल, तो मेरा इलाज हो जाएगा। और भी मेरी मदर के सिस्टर के किसी के कोई प्रॉब्लम होती है तो इस हम उसका इलाज करा सकते हैं। सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो गहलोत ने ये दिया हम लोगों को कि वो चिरंजीवी योजना चालू की है और उससे बहुत ही बेनिफिट है। और मैं कहूँगा मुझे ही नहीं, जितनी भी आवाम है, जितनी भी पब्लिक है, जितनी पॉपुलेशन है, सबको इसका फ़ायदा मिल रहा है। महंगाई की वजह से बहुत कठिनाई उठानी पड़ती है, महंगाई बहुत है और हमारे को तो यही निवेदन है कि महंगाई को थोड़ी सी कम करें। क्या लग रहा है चुनाव इस पर बात हो रही है, नेता बोल रहे हैं इस पर? हाँ। क्योंकि कांग्रेस ने जब अभी कैंप लगाए उसमें महंगाई राहत कैंप लगाए, सब लगाया, शिविर लगाया, उसका कुछ फ़ायदा हो रहा है? हाँ, फायदा तो हो रहा है। जैसे गैस रेट कम हुए, बाकी चीज़ें। हाँ, ये गैस, जैसे गैस की टंकी मिली हमारे को, गैस कनेक्शन मिला और सामान का किट मिल रहा है और वैसे हाँ गाँव भी फ्री मिल रहा है, ये फायदा तो हो रहा है। हाँ, और जो नई सरकार आए और क्या करें, किस तरह से काम करें? नई सरकार आए तो हमारे को तो यही उम्मीद है भाई हम हमारे गरीब लोगों की सहायता करें और तो जो सहायता करेंगे उनको हम वोट देंगे। आप क्या काम करते हैं? मैं तो अभी नरेगा में जाती हूँ, नरेगा काम करती हूँ। मेरा नाम लालचंद है और मैं वैसे जोधपुर से हूँ बेसिकली। मैं ये चाह रहा था कि मेरे स्थानीय लेवल की बात करूँ तो वहाँ एक्चुअली मैं SC ST के अंदर एक कम्युनिटी आती है, कालबेलिया कम्युनिटी, जिसको कालबेलिया जिसको लिखते हैं वो एक्चुअली कालबेलिया SC में आती है और जो कुछ लोग जोगी लिखते हैं वो होते कालबेलिया हैं लेकिन डॉक्यूमेंट्स में जोगी लिख लेते हैं, तो जोगी लिखने की वजह से वो OBC में आ जाते हैं। तो उनको जो SC के तहत जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल पाता है और वो उनको जो फ्री में स्कॉलरशिप मिलती है और जो बहुत सारी योजनाएँ हैं लाभ है जो खाद्य सुरक्षा योजना के तहत उनको जोड़ा जाता है वो उनको जोड़ नहीं पाते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया है, बहुत सारे वहाँ SDM है, कलेक्टर को भी लिखा है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि उनको उनके लिए सरकार काम करे, उनका जो सरकार का जो मैनिफेस्टो है या जो जो भी पार्टियां हैं, BJP है, कांग्रेस है, जितनी भी पार्टियां हैं, RLP है, वो अपने मैनिफेस्टो में डाले कि उनको OBC में जोगी को भी जो जोगी रियल में कालबेलिया है तो उनको SC में रखा जाए। और भी बहुत सारे इश्यूज है जैसे कि जमीन का मैटर है, जो जमीन से जुड़े श्यामलात के मामले हैं वो निकल के आने चाहिए। और जो पिछली सरकार, जो कांग्रेस सरकार की बात करें, जो सरकार में जिनका मतलब जो जिनकी सरकार थी राजस्थान में, उनका पिछले इलेक्शन के टाइम मैनिफेस्टो में था कि जो जवाबदेही कानून है वो बनना चाहिए, पास होना चाहिए, लागू होना चाहिए, लेकिन अभी सरकार उनका वापस से इलेक्शन आ गए हैं लेकिन वो जवाबदेही कानून बना नहीं है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जो जवाबदेही कानून है वो अभी इसी मैनिफेस्टो में रहे और यदि सरकार नेक्स्ट जिसकी भी बनती है तो जवाबदेही कानून लागू होना चाहिए। और जो महिलाओं का कानून है, महिलाओं के लिए जो आरक्षण का जो कानून लागू मतलब सरकार BJP सरकार जिन्होंने सेंट्रल में घोषणा की है कि महिलाओं के लिए आरक्षण मिलेगा, तो लेकिन वो अभी मिला नहीं है, ओनली वो वर्बली बोला है, डॉक्यूमेंट्सली ऐसा कोई है नहीं, तो वो लागू होना चाहिए ग्राउंड लेवल पे। ये हमारा मैनिफेस्टो माना चाहिए एजेंडा। मेरा नाम कैलाश बेरवा है, मैं कोटा से हूँ और वकील हूँ। जैसे कि महिलाओं के मुद्दों पे और महिलाओं के ऊपर होते हुए अपराधों के बारे में कानून तो बहुत कुछ बन गए, बहुत से कानून हैं जो कि बनाए गए हैं, उनमें अमेंडमेंट भी हुआ है निर्भया कांड के बाद। किशोर
और न्याय अधिनियम है उसमें भी हुआ है, लेकिन इसको प्रभावी रूप से क्रियान्वयन नहीं होता। और जैसा कि मतलब बाल अपराध में महिलाओं के ऊपर जो भी रेप होता है या पोक्सो के बहुत सारे प्रकरण होते हैं, तो मेरा मानना है कि अगर आप महिलाओं के लिए अगर कोई कानून बनाते हो तो उनको प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जाए उनका, ताकि ये अपराधों पर रोकथाम हो और जो अपराधी होते हैं उनको सजा मिले, कठोर से कठोर दंड, ताकि दूसरा व्यक्ति वह अपराध करने से डरे, या अपराध की रोकथाम के लिए अच्छे नियम बनाए जाए, समाज को जागरूक किया जाए। और इस कार्य के लिए घर से ही आप मतलब महिलाओं की सुरक्षा घर से ही हो। चुनाव में तो सिर्फ यही बात होनी चाहिए, विकास के मुद्दे पे बात होनी चाहिए। विकास अगर होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, विकास नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर बात हो रही है उस पर, अब देखो माहौल तो ऐसा है कि देखो मेरे हिसाब से तो मैं ऑटो वाला हूँ कि गहलोत जो काम कर रहा है अच्छा कर रहा है, बाकी देखो पब्लिक है, पब्लिक का अनुभव अपना अपना वो कैसे हैंडल करती है वो जाने। और रही बात महंगाई, आप तो खुद जानते हो कि बीजेपी के राज आएगा तो वो पहले मोदी सरकार में महंगाई तो है ही, और जहाँ थोड़ी सी फायदा था वो भी पता नहीं कैसा होगा। और हम नहीं चाहते कि जातिवाद की कुछ लड़ाई हो, झगड़े हो, आपस में कुछ ऐसा हो, हम तो चाहते हैं हम सब मिल के रहें, सब तरक्की करें। एक हाथ जो होता है वो पंजा होता है, और जब वो मिल जाता है तो वो ताकत बन जाता है। जब तक सब मिल के साथ नहीं चलेंगे जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और सबसे पहले हमारे को क्या करना चाहिए, हमको बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जब पढ़ेंगे एजुकेशन हासिल करेंगे तभी उनको ये पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो समझ रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, और जो जाहिल किस्म के लोग हैं जो नहीं समझते वो अपने राग अलाप रहे हैं। जैसा कि इस पूरी वीडियो की बातचीत में आप सुना, अलग अलग तबके के नौजवान, महिला से लेके इसमें मनरेगा किसान, अलग अलग तबके के लोग थे जिससे हमने बात की, समझा, सबके अपने अपने अलग अलग सवाल हैं जिस पर वो बात करना चाहता है। लेकिन उनकी यही है जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो बड़े बड़े नारे दावे करें लेकिन इनके सवालों पर अभी तो कोई बात नहीं कर रहा है। तो आने वाले चुनावों में देखना है क्या इन मुद्दों के आधार पर ही मतदान होंगे या कुछ और ऐसे सवाल होंगे जिसके आधार पर मतदान होंगे और नई सरकार चुनी जाएगी। अभी के लिए इतना ही। इस पूरे चुनाव के दौरान न्यूज़ क्लिक आपके बीच में इस तरह की अन्य खबरें लेकर आता रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। धन्यवाद।